हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो पार्ट टू है। हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो है एग्रीकल्चर, उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस कर रहे थे। पार्ट वन हम कर चुके हैं 15 क्वेश्चंस, आज हम पार्ट टू करेंगे डिस्कस। ठीक है, 15 क्वेश्चंस करेंगे इसमें भी हम, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको पार्ट वन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज नोन एज। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल उनकी खेती करना, कल्टीवेशन करना, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस दी हुई है हमारे पास, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पिस्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हॉर्टिकल्चर। द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। सेरिकल्चर क्या होता है? जो कल्टीवेशन होती है सिल्क वॉर्म्स की। ठीक है, सिल्क वॉर्म्स आपने सुना होगा। ठीक है, ताकि सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, उनको कहा जाता है सेरिकल्चर। नेक्स्ट इज पिस्कीकल्चर, जो फिश फार्मिंग होती है दैट इज कॉल्ड पिस्कीकल्चर, जिसको मछली पालन कहा जाता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर जो है वो क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर जो है इसमें सब कुछ आता है, जैसे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स जो है वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ बेवरेज क्रॉप। कौन सी एक बेवरेज क्रॉप है? ठीक है, बेवरेज आपको पता है क्या कहा जाता है उसको? ड्रिंक। ठीक है, ऑप्शंस है टी, कॉफी, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टी एंड कॉफी बोथ आर बेवरेज क्रॉप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा शुगर केन जो है उगाया जाता है, शुगर केन मतलब गन्ना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम, जापान, इंडिया, ब्राजील एंड चाइना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज ब्राजील। ब्राजील जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है शुगर केन उगाया जाता है। और अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, तो सही आंसर है इंडिया। ठीक है, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट, तो कौन सी होगी? इंडिया। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड इज इंडिया एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड इज ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा टी होती है? ठीक है, तो ऑप्शंस है चाइना, इंडिया, टर्की एंड जापान। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? दैट इज टर्की। टर्की इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। ठीक है, कौन सी ऐसी क्रॉप है जो ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छे से जो है वो ग्रो करती है? मेज, कॉटन, वीट या फिर राइस। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज कॉटन। क्योंकि हमें पढ़ा था ब्लैक सॉइल जो है उसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। कौन सी ऐसी कंट्री है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो पूछा गया है। ऑप्शंस है चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो राइस की अगर हम बात करें तो राइस का जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दैट इज इंडिया। ठीक है, कौन सी आंसर है इसका? ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना क्या होगा? फर्स्ट या फिर हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है राइस का, दैट इज चाइना, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, दैट इज इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन, राइस इज द सब्सिस्टेंस क्रॉप इन उड़ीसा। सब्सिस्टेंस हमने पढ़ा था कि अपना जो है अपना गुजारा करने के लिए जो क्रॉप जो है उगाई जाए। तो राइस क्या है? एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, मतलब वहां पे लोग जो है राइस इस तरह से उगाए जाते हैं, इतने ज्यादा उगाए जाते हैं ताकि, क्योंकि वहां पे उनकी डिमांड है उसकी। ठीक है, लोग जो है वो अपने लिए, अपने खाने के लिए उस क्रॉप को उगाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स राइस इज कमर्शियल क्रॉप। पर कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां राइस एज ए कमर्शियल, मतलब बेचने के पर्पज से जो है वो उगाई जाती है? ऑप्शन है पंजाब एंड हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में राइस जो है वो एज ए कमर्शियल क्रॉप जो है वो उगाई जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट, एग्रीकल्चर इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी।
एग्रीकल्चर कौन सी तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटी है? ऑप्शन है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। हमें पता है तीन तरह की एक्टिविटीज होती है, कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? जिसमें आता है रॉ मटेरियल। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज है, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या फिर फूड इंडस्ट्री हो, ठीक है, या फिर फूड इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज हो, डेयरी इंडस्ट्री हो, उसमें जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? प्राइमरी एक्टिविटी से। ठीक है, दूसरा आता है उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस करना, जैसे मान लीजिए हमने जो है कॉटन जो है, कॉटन जो है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। ठीक है, कॉटन जो है उसको कहाँ गया? फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में गया, उसका क्या बना? कपड़ा बना। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये होगी सेकेंडरी एक्टिविटी। उसके बाद उस क्लोथ को जो है मार्केट तक पहुंचाना, दैट इज मार्केट तक मतलब हम तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर क्या है, कौन सी एक्टिविटी है? एग्रीकल्चर है प्राइमरी एक्टिविटी, ऑप्शन ए सही है। क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर चाहे फसलें हो, आप क्रॉप्स दे सकते हैं, राइस, वीट, ये सारी क्या है? रॉ मटेरियल है। राइस जो है वो फैक्ट्री में जाएगा, तभी उसका क्या बनेगा? ब्रेड बनेगा, सेकेंडरी एक्टिविटी, और वो ब्रेड हम तक पहुंचेगा, दैट इज टर्शियरी एक्टिविटी। बैंकिंग, ट्रेडिंग, ये सारा जो है वो थर्ड जो है वो टर्शियरी एक्टिविटी में आता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है और उसको कंज्यूम भी करता है? ऑप्शन है राइस, वीट, मेज एंड पल्सेस। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज पल्सेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया? फाइबर क्रॉप, कौन सी एक फाइबर क्रॉप है जो इंडिया में उगाई जाती है? कॉटन, जूट, या फिर दूसरा है हेम्प, तीसरा है नेचुरल सिल्क, या चौथा है ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये चारों जो है ये फाइबर क्रॉप है जो इंडिया में उगाई जाती है। कॉटन, जूट और हेम्प, ये क्या है? ये क्रॉप्स है। ठीक है, और नेचुरल सिल्क कैसे मिलता है? जो कोकून होता है या जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उनसे जो है वो नेचुरल सिल्क जो है वो प्रोड्यूस कहा जाता है। उनको मलबरी के लीव्स जो है वो खिलाए जाते हैं, उनको बड़ा किया जाता है और बाद में उनसे सिल्क जो है वो बनाया जाता है, जिसको मलबरी सिल्क के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन 2010 and 11 इंडिया रैंक्ड डैश अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। 2010 और 11 में, ठीक है, जो नेचुरल रबर प्रोड्यूस हुई थी उसमें इंडिया की कौन सी रैंकिंग थी टोटल वर्ल्ड में? ऑप्शंस हैं सेकंड, थर्ड, फर्स्ट या फिर फोर्थ। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज फोर्थ, फोर्थ रैंकिंग थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि सिल्क वॉर्म्स जो है उनको रियर करना, मतलब उनको पालना ताकि सिल्क फाइबर बनाया जा सके, इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, पिस्की कल्चर या फिर एग्रीकल्चर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सेरीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? कॉफी कहाँ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है? ठीक है, ऑप्शन है इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना या फिर ब्राजील। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ब्राजील। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, ये करंट सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया? ठीक है, जहां पे एक बहुत बड़े लैंड एरिया पे एक सिंगल क्रॉप जो है वो उगाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें प्लांट्स जो है एक बड़े लैंड एरिया में उगाए जाते हैं कॉमर्शियल पर्पज से। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था, जिसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, प्रिमिटिव भी कहा जाता है, जहां पे लैंड के एक पार्ट को जो है जलाया जाएगा, वहां पे पेड़ पौधों को, वहां पे खेती की जाएगी, 3-4 साल के बाद फिर से अलग लैंड जो है उसको जो है वो जलाया जाता है। इसको कहते हैं शिफ्ट, मतलब दूसरे लैंड पे शिफ्ट करना। यहाँ पे जो है खेती की जाएगी और इसको जो है अबेंडेंड, मतलब खाली छोड़ा जाएगा, ताकि वहां पे फिर से प्लांट्स जो है वो रिजनरेट कर सके। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर क्या है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कल्टिवेशन। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या था? इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है जिसमें एक थोड़े लैंड पे ज्यादा चीजें उगाई, मतलब ज्यादा थोड़े लैंड से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश की जाती है। ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है और लैंड कम होता है, और उनकी जो है फूड रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ज्यादा जो है उस लैंड में इनपुट दी जाती है, चाहे वो
सीड्स हो या फिर फर्टिलाइजर्स हो या फिर इरिगेशन हो, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो की जा सके, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप्स। कौन सी रबी क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं जो विंटर में उगाई जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो KVS PRT जो है उसमें 2018 में पूछा गया था सेम क्वेश्चन। ऑप्शन है राइस, ग्राम, मिलेट्स या फिर कॉटन। सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ग्राम। ग्राम क्या है, रबी क्रॉप्स। और कौन कौन सी होती है, पीज जो है ये भी रबी क्रॉप्स हैं, वीट है, ठीक है, और कौन सा है, बाले है और मस्टर्ड है, ये सारी ही क्या है, रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, पार्ट वन है वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पार्ट थ्री डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम अराउंड 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के हो जाएंगे। तो आई होप एक लाइब्रेरी बन रही है आपकी क्वेश्चंस की। अगर आपको क्वेश्चंस या वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।